सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञान को और पाते रहिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस। दोस्तों माइनर ब्रिज ये देखिए डबल सेल है, या यूं कहें कि मल्टी सेल माइनर ब्रिज है। आप ये और सेम यूं कहें कि एक मल्टी सेल बॉक्स कल्वर्ट है, और डिफरेंस तो आप जानते ही हैं मल्टी सेल के बीच में और सिंगल सेल के बीच में क्या होता है। मल्टी सेल में एक से अधिक आपके स्पान होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक स्पान है और यहाँ पे लेंथ भी ज़्यादा है, इसलिए इसको बॉक्स कल्वर्ट नहीं कहेंगे, इसको माइनर ब्रिज कहेंगे। तो ये इस टाइप से कुछ माइनर ब्रिज होता है जिसमें ये चीज़ें होती है, ऐसे माइनर ब्रिज में जो होती है वही चीज़ें होती है, बस जो स्ट्रक्चर है वो बॉक्स टाइप बनता है। तो बॉक्स कल्वर्ट भी इसी तरीके से जब बोलते हैं हम सिंगल सेल बॉक्स कल्वर्ट और डबल सेल या कहें कि मल्टी सेल बॉक्स कल्वर्ट, तो वो भी इस टाइप से होता है और लेंथ भी उसकी उसी हिसाब से होती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि माइनर ब्रिज एक्चुअली होता कैसा है। तो ये तो हमारा एक मल्टी सेल माइनर ब्रिज हो गया है, और यूँ कहें कि सिंगल सेल माइनर ब्रिज होगा तो उसमें एक ही स्पान होगा। इसकी वाल की थिकनेस भी ज़्यादा होती है थोड़ी, मिडिल वाल की थिकनेस हमारे केस में 300 mm है, और आउटर वाल की जो थिकनेस है वो है 450 mm, और राफ्ट की थिकनेस है 650 mm, और स्लैब की थिकनेस है 550 mm। तो ये था हमारा एक ब्रीफ वीडियो मल्टी सेल माइनर ब्रिज के बारे में। धन्यवाद।